हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं फ्री में आप बीज कैसे ले सकते हैं। यहां पर दोस्तों बीज आवेदन शुरू कर दिया गया है। बीज लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दलहन तेलहन जो भी है सारा चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे गेहूँ का बीज लेना हो, सरसों का बीज लेना हो, राई का बीज लेना हो, गेहूँ का बीज लेना हो, तो दोस्तों 100% अनुदान है। मैं बताऊंगा कि कहां से आपको ऑनलाइन करना है और कैसे करना है। ये नहीं कि दोस्तों कोई भी ऑनलाइन कर दिया आपको अनुदान दिया जाएगा। उसमें दोस्तों दो तरह से, यानी कि योजना के नाम से है। योजना कौन कौन सा योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री की योजना चल रहा है, तीव्र योजना, घटक कौन सा है, कितना अनुदान मिलेगा, सारा चीज आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगा कि आपका एक भी रुपया नहीं लगने वाला है, फ्री में आप बीज ले सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को बताते हैं और कैसे आपको ऑनलाइन करना है सारा जानकारी यहां पर बताते हैं। तो चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेट मिलती है वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 100% अनुदान लेने के लिए, यानी कि फ्री में बीज लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलता हूँ। तो फाइनली हम दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गया हूँ और गूगल को ओपन कर लिए हैं। दोस्तों आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी हो, सब किसी से भी कर सकते हैं, बस गूगल ब्राउजर पे आ जानी है। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com। याद रहे कि सबमिट में आपको डबल टी टाइप कर लेनी है। जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे कर लीजिए onlinesubmit.com। जो पहला वाला वेबसाइट है सिंपल सा, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। देख सकते हैं मैं इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दिया हूँ onlinesubmit.com। सबमिट में डबल टी है। अब देखिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है onlinesubmit.com का, इस पर आ गया हूँ। इस पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बीज अनुदान रवि फसल ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म 2022, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे इस पर क्लिक किए मैं नीचे आ जाता हूँ, आपको दिखा देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करने का यहाँ पर लिंक बनाया गया है, नया लिंक जारी हुआ है, क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए मैं क्लिक हियर पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए जो भी आपका किसान का रजिस्ट्रेशन आईडी है, जो भी है अपना यहाँ पर पंजीकरण संख्या यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर पंजीकरण संख्या को डाल लेता हूँ। दोस्तों अगर आप भूल गए हैं तो डायरेक्टली डीबीटी एग्रीकल्चर वाले वेबसाइट पर चले जाइएगा। डीबीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, डीबीटी बिहार एग्रीकल्चर, इस वाले पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। जैसे प्रोसेस टू होम पेज कर लेता हूँ। पंजीकरण जानना है तो पंजीकरण जाने पर मैं क्लिक कर देता हूँ। किस क्या चीज से जानना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर सर्च कीजिएगा तो आपका बता देगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पंजीकरण संख्या अपना ले लिया हूँ और यहाँ अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था इसको डाल दिया हूँ और यहाँ पर रवि 2022 क्लिक कर लिया हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या, पिताजी का नाम, आधार नंबर, ब्लॉक, गांव, जाति, किसान का नाम, मोबाइल नंबर, जिला, पंचायत, लिंग, किसान का प्रकार यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मैं नीचे चलता हूँ, आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। चलिए मैं नीचे चलता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं नीचे आया तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या दिया गया है, योजना का नाम दिया है, राज्य योजना कौन सा योजना है, योजना के घटक दिया गया है मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार योजना, यहाँ पर फसल का नाम दिया गया है कितनी सारी फसल है, फसल का किस्म कौन सा है, बीज का प्रकार कौन सा है, दर कितना है, अनुदान कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुदान 000 दिखा रहा है। तो मैं डायरेक्टली नीचे आ जाता हूँ और नीचे चलते हैं। और देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन में यहाँ पर मसूर का है बिल्कुल 100% यहाँ पर अनुदान है, आप देख सकते हैं। ये सभी देखिए यहाँ पर जो भी है, मसूर, चना, यहाँ पर मूंग, शंकर, मक्का, जो भी है यहाँ पर सभी, यहाँ पर कोई 25% तो कोई 47%, कोई यहाँ पर 50%, 100% अनुदान है। देखिए यहाँ पर मुझे मूंग लेना है, माना कि मुझे मूंग लेना है यहाँ पर मूंग का, देखिए यहाँ पर 100% अनुदान दिखा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए सारा डिटेल्स हमारा यहाँ पर दिखा देगा, रजिस्ट्रेशन संख्या, किसान का नाम, योजना का नाम, प्रत्यक्षण, मूंग जो भी है। अब देखिए कितना लेना है मुझे, 10 kg, 10 कर देंगे। अगर होम डिलीवरी के लिए 5 रुपये प्रति, अगर यस करते हैं तो होम डिलीवरी से 5 रुपये अलग से आपको देना पड़ेगा, इस बात को याद रखना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ,
यहाँ पर कर रहा है कम कम ही डाले तो मैं यहाँ पर 4 kg कर लेता हूँ, इतना डाल दिया। अब देखिए मेरा राशि कितना होगा, अनुदान 100% बोल रहा है, राशि हमारा 500 रुपया हो जाएगा, मतलब बीज का दाम 500 रुपया हो जाएगा। अनुदान कितना मिलेगा, 500, 100% अनुदान, देख सकते हैं 500, दे राशि 0 रुपए, बिल्कुल फ्री में आपको ये मिल सकता है। जो भी अनुदान जितना मिल रहा है आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको फ्री में बीज दे दिया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बीज लेंगे तो आपको 500 रुपए पे करने होंगे, और ये जो अनुदान मिलता है ये दोस्तों जो भी आपने बैंक अकाउंट्स इसमें लिंक किए हैं वहां पर आपके घर बैठे आ जाता है। इसको डालने के बाद डायरेक्टली क्या करते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों हमने सबमिट पर क्लिक किया, यहां पर मैसेज में आया डिमांड एक्सेप्ट सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो आप पंजीकरण संख्या डालकर आपने यहां पर बीज आवेदन किए हैं, यहां पर कोई रिसीविंग आपको प्रिंट नहीं होने वाले है, बस आपका डिमांड एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि आपने डिमांड किया है इतना बीज लेने के लिए, बस यही एक मैसेज चला जाता है उनके पास कि इस आईडी से इतना बुक किया गया है, बस आपको कोई यहां पर प्रूफ नहीं मिलेगा। आप इस तरीके का मैसेज देकर समझ जाए कि हमारा डिमांड सक्सेसफुली, हमने बीज लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया। इसी तरीके से वहां पर सरसों का दे रहा था, बहुत सारे बीज था, किसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो 100% 100 का भी कर सकते हैं, जो जिसमें कम अनुदान है वो भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।